कहते हैं सत्ता और राजनीति कुछ भी करवा सकती है और वही देखने को मिल सकता है हमें आने वाले लोकसभा चुनाव में। जी हाँ, क्रिकेट पिच पर खेलने वाले खिलाड़ी अब चुनाव के पिच पर अपना हुनर दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के 42 सीटों के लिए सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 10 मार्च के कोलकाता के ब्रिगेड मैदान पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। ममता बनर्जी ने सबको हैरान करते हुए भारत के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी मैदान में उतारा है। यूसुफ कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की सीट बहरामपुर सीट से लड़ेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी अधीर रंजन को उनकी ही सीट से उतारती है तो दोनों के बीच मुकाबला होगा। दूसरी ओर टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को वर्धमान दुर्गापुर सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। कीर्ति आजाद 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में रह चुके हैं। कीर्ति आजाद ने 2014 में बीजेपी के टिकट पर बिहार के दरभंगा से चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद 2018 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए, वहां से फिर 2021 में टीएमसी में। अब ममता बनर्जी ने उन्हें टिकट दे दिया। यूसुफ पठान ने अपने नाम की घोषणा पर कहा, मेरा स्वागत करने और संसद में लोगों की आवाज बनने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपने के लिए मैं श्रीमती ममता बनर्जी और टीएमसी परिवार का आभारी हूं। लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में गरीबों और वंचितों का उत्थान करना हमारा कर्तव्य है और मैं यही हासिल करने की उम्मीद करता हूं। यूसुफ पठान और कीर्ति आजाद के बाद अब सबकी नजरें भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पर हैं। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि शमी बीजेपी के टिकट पर बंगाल में किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले शमी बंगाल की ओर से घरेलू क्रिकेट में खेलते हैं। यूसुफ पठान दो बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य रहे हैं। वो 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल जीतकर T20 चैंपियन बनने वाली टीम में थे। इसके बाद पठान 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के भी सदस्य रहे थे। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल जीता था। यूसुफ पठान का कनेक्शन कोलकाता से काफी खास रहा है। वह यहाँ की IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए लंबे समय तक खेले हैं। उन्होंने टीम को दो बार 2012 और 2014 चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अधीर चौधरी लगातार 5 बार से बहरामपुर से सांसद हैं और ममता बनर्जी से अधीर रंजन चौधरी का 36 का आंकड़ा है। इंडिया गठबंधन में सीटों का समझौता नहीं होने के पीछे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी अधीर रंजन चौधरी को जिम्मेदार ठहराया है। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक अधीर चौधरी और ममता बनर्जी की पार्टी के बीच बातों की लड़ाई चलती रहती है। अधीर चौधरी तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते रहे हैं, राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। बहरामपुर में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी के अपूर्व सरकार को पराजित किया था। बता दें कि अपूर्व सरकार पहले कांग्रेस के साथ थे, लेकिन वह टीएमसी में शामिल हो गए थे। वो 1999 से लगातार बहरामपुर के सांसद हैं। टीएमसी से कांटे की टक्कर के बावजूद अभी भी तृणमूल उन्हें पराजित नहीं कर सकी है। 2019 के चुनाव में बीजेपी की लहर के बावजूद अधीर चौधरी विजयी रहे थे। साल 2014 में जब कांग्रेस सबसे खराब स्थिति में थी, उन्होंने बहरामपुर में 3 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। पिछले लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को मुर्शिदाबाद में अधीर को हराने का काम सौंपा था। शुभेंदु अधिकारी ने विधायक अपूर्वा सरकार को कांग्रेस से बेदखल कर दिया और उन्हें तृणमूल का उम्मीदवार बना दिया, लेकिन अपनी सारी ताकत लगाने के बाद तृणमूल अधीर को हरा नहीं सकी। अधीर चौधरी करीब 90,000 वोटों से जीत हासिल की। बता दें कि बहरामपुर का इलाका मुस्लिम बहुल है और अधीर चौधरी के इलाके में पकड़ मानी जाती है। ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय से यूसुफ पठान को उतारकर अल्पसंख्यकों को भी संदेश दिया है और सेलिब्रिटी का चुनाव पर अलग असर रहता ही है। 2021 में राज्य में विधानसभा चुनाव हुए और बहरामपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर टीएमसी ने और 1 पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। इस तरह से एक भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस का फिलहाल कब्जा नहीं है। अब राजनीतिक अहम माने जाने वाले बहरामपुर को जीतने के लिए तृणमूल ने नए घोड़े पर दाव लगाया है।
कुछ दिन पहले ही यूसुफ पठान से संपर्क किया गया था। बहरामपुर में इस बार अधीर और यूसुफ खान के बीच कांटे के मुकाबले के आसार हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से 400 का आंकड़ा पार करना चाहती है। इसके लिए पार्टी ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस बार चुनाव में पश्चिम बंगाल से भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद शमी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इस बात पर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व गंभीरता से विचार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री मोदी का संदेश लेकर स्टार गेंदबाज से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि अंतिम फैसला अभी शमी को ही लेना है, जो फिलहाल सर्जरी होने के बाद क्रिकेट से ब्रेक पर हैं। मोहम्मद शमी ने एक तेज गेंदबाज के रूप में राष्ट्रीय ख्याति हासिल की और वह अभी भी बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि भाजपा शमी को पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ाना चाहती है। इसके पीछे एक कारण बताया जा रहा है कि अगर शमी बंगाल से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो इसके वजह से बीजेपी को बंगाल में अल्पसंख्यक सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं पूरे देश के मुसलमानों में भी बीजेपी को लेकर एक सकारात्मक माहौल बनेगा। बीजेपी शमी को बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारना चाहती है। यह निर्वाचन क्षेत्र अभी बहुत संवेदनशील है। जिस संदेश खाली से हाल में महिलाओं के साथ अत्याचार के खौफनाक मामले सामने आए वह बशीरहाट सीट में ही आता है। इस निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक वोटों की संख्या सर्वाधिक है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शमी को मैदान में उतारना पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि वह अब भारतीय क्रिकेट के ट्रेंडिंग हीरो में से एक है। अब देखना यह होगा कि ये क्रिकेट के धुरंधर राजनीति के पिच पर कैसा खेलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल कालखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज बिना डरे बिना झुके पुख्ता सबूतों के साथ। तो देखते रहिए कालखंड न्यूज़।